हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा रेड लाइन सिंड्रोम का 119 नंबर वीडियो है। इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिंड्रोम बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रेड लाइन सिम्टम बनाने का मकसद हमारा यही है कि अगर कोई बीमार पड़ जाता है, लेकिन अगर आप सिम्टम पकड़ लेते हैं तो आप अपना ट्रीटमेंट खुद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहला सिम्टम है कलक्रिया सर्फ में, इसमें क्या होता है कि एनस के बगल में एक फोड़ा हो जाता है जो कि पेनफुल होता है। तो इसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाने की क्या ज़रूरत है, आपको एंटीबायोटिक देने की क्या ज़रूरत है। अगर एनस के बगल में फोड़ा हो गया है और शुरुआत है और दर्द है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पेनफुल एब्सेस अबाउट एनस के अगल बगल है तो आप कलक्रिया सर्फ दीजिए ना, कलक्रिया सर्फ 6x। अगर बच्चों में हुआ है तो 2-2 गोली करके दिन में 4 बार दीजिए, और एजेड में हुआ है तो 6-6 गोली करके दिन में 4 बार दीजिए। एब्सेस 2 दिन के अंदर में ठीक हो जाएगा, लेकिन दोबारा नहीं हो इसको कम से कम हफ्ता 10 दिन इसको चालू रखिए। आपके एनस के बगल में जो फोड़ा हो रहा है वो ठीक हो जाएगा और दर्द भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है नेट्रम फास्ट 6x बायोक्यूबिक में। इसमें क्या होता है कि पूरे शरीर में इचिंग होती है लाइक इंसेक्ट बाइट, जैसे कोई इंसेक्ट बाइट कर लिया है और पूरे शरीर में इचिंग हो रही है। तो इसके लिए भी आपको कोई एंटी एलर्जिक दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको नेट्रम फास्ट 6x 6-6 गोली करके दिन में 3-4 बार लगातार दीजिए। अगर छोटे बच्चे में हुआ है तब 2-2 गोली दीजिए। याद रखिए, इचिंग ऑल ओवर द बॉडी, पूरे बॉडी में इचिंग करते जा रहे हैं जैसे कोई इंसेक्ट बाइट कर रहा है, तो आपको कोई दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। आप नेट्रम फास्ट 6x पर भरोसा करके दीजिए, आपकी इचिंग एक हफ्ता के अंदर में धीरे धीरे जड़ से आराम हो जाएगी। लेकिन इस बायोकेमिक दवाई है, इसको कुछ दिन लगातार दीजिएगा जिससे जड़ से ठीक हो जाए। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है नेट्रम सर्फ 6x। इसका एक खास रेड लाइन सिम्टम यह है कि अगर किसी को फिस्टुला हुआ है, आपने होम्योपैथिक दवाई सारा दे दिया है, दे के थक गए हैं, डॉक्टर बोल दिया कि अब आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो अगर किसी को फिस्टुला है, ये सब होना चाहिए, फिस्टुला फॉर ईयर्स, बरसों से फिस्टुला से परेशान है, नहीं ठीक हो रहा है, ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है, पस डिस्चार्ज हो रहा है, तो आप आँख बंद करके नेट्रम सर्फ 6x 6-6 गोली दिन में 3-4 बार लगातार देते रहिए। लेकिन अगर आपका फिस्टुला बरसों से अगर है, 2 साल 3 साल 4 साल बरसों से है, तो आपका बरसों वाला फिस्टुला नेट्रम सर्फ से हर हाल में ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है ईगल फोलिया। इसको आपको 200 पावर में एक हफ्ता में एक डोज लेना है। इसका रेड लाइन सिम्टम क्या है कि एक्सेसिव एंड अनकंट्रोल्ड सेक्सुअल डिजायर, माने आपका सेक्सुअल डिजायर अनकंट्रोल है, आपके कंट्रोल के बाहर है, आपको लेना है ईगल फोलिया। ईगल फोलिया 200 आप लगातार लेंगे, सप्ताह में एक बार देने से उनकी यह प्रॉब्लम शांत हो जाएगी, वो जो है सेक्सुअल डिजायर से मुक्ति पा जाएंगे, उनको जो सेक्सुअल डिजायर होता है नॉर्मल होगा, एक्सेसिव जो भूखे रहते हैं वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है इश्नेसिया। यह बहुत ही अच्छी एंटीसेप्टिक दवाई है। अगर किसी लेडी को बच्चा हुआ है उसके बाद में उसको फीवर होता है जिसका नाम है प्रसूति फीवर, प्योर पीरियड फीवर, जैसे स्मिता पाटिल को हो गया था, लेबर के बाद में बच्चा होने के बाद में एक तरह का फीवर होता है जो कि बहुत डेंजरस होता है। तो अगर लेडी को बच्चा हो गया है और उसके बाद में उसको हल्का फुल्का फीवर हो रहा है तो आप इश्नेसिया देना चालू कर दीजिए। इश्नेसिया मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3-4 बार लगातार दीजिए। पेशेंट की हालत ठीक हो जाएगी, उसका बुखार ठीक हो जाएगा, उसकी मौत कभी नहीं होगी। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है थेरिडियान। इसमें क्या होता है, इसका रेड लाइन सिम्टम क्या है कि चक्कर आता है हमको। चक्कर कैसे आता है, चक्कर इवन बाई लिस्ट नॉइज, जरा भी आवाज़ सुने आप, जरा भी आवाज़ सुने आपको जो है चक्कर आने लगा, तो आप जो है आवाज़ से दूर भागते हैं क्योंकि आपको चक्कर आ जाता है। तो ऐसे पेशेंट को थेरिडियान 30 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार कम से कम 1 महीना दीजिए, तो लिस्ट नॉइज से जो चक्कर आता है वो थेरिडियान से हर हाल में 100% ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है क्रियोजोट। क्रियोजोट में क्या होता है कि कोई भी बच्चा हो या कोई आदमी हो,
वो अपने एज से ज़्यादा लंबा हो गया है, उनका एज 10 साल का है और वो ज़्यादा उम्र उनकी बढ़ गई है, तो ऐसे बच्चों को, ऐसे एजेड पर्सन को कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर लंबा हो गया है तो आप उनको क्रियोजोर दीजिए। क्रियोजोर 200 पावर में, अगर एजेड है तो क्रियोजोर 200 दो बूंद करके हफ्ता में एक बार दीजिए, अगर बच्चा तो उनको क्रियोजोर 30 दो बूंद करके दिन में 3 बार दीजिए। बच्चे का जो लंबाई ज़्यादा बढ़ती जा रही है उसकी लंबाई एज के अनुसार नॉर्मल हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है एस्टेरियस। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को जो सेक्सुअल डिजायर होता है, इंटरकोर्स करने के बाद भी उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद में भी उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है, वो फिर मैस्टरबेशन करना चाहता है, तो ऐसे पेशेंट को एस्टेरियस दीजिए। एस्टेरियस 30 पावर में दो बूंद करके दिन में 3 बार दीजिए, या एस्टेरियस 200 एक दिन छोड़कर एक दिन दीजिए, तो उस तरह का उसका जो पागलपन है, सेक्सुअल डिजायर है, इंटरकोर्स करने के बाद भी उसकी पूर्ति नहीं हुई है, ये इच्छा ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है रूटा, और इसका एक खास सिम्टम है वॉकिंग बाई स्लाइटेस्ट टच। आप सोए हुए हैं, अगर आपको कोई जरा भी टच कर दिया, छू लिया, आपकी नींद खुल गई, आपकी बीमारी, अगर आपको ऐसा सिम्टम है, आपकी बीमारी कोई भी हो, अगर एक खास यूनिक सिम्टम है कि जरा भी छूने से आप जग गए, तो इसके लिए आप रूटा दीजिए। रूटा 30 दो बूंद करके दिन में 3 बार लगातार दीजिए, तो उसकी यह प्रॉब्लम जो छूने से जग जाता है, उठ के बैठ जाता है, उसकी यह प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है जलसेमियम, और जलसेमियम का एक खास यूनिक रेड लाइन सिम्टम यह है कि अगर किसी को बुखार हुआ है तो बुखार में पेशेंट जो है किसी को पकड़ना चाहता है, जैसे बच्चा है तो अपने माँ को पकड़े रहेगा, उसको आराम मिलता है, तो जलसेमियम 30 दो बूंद करके दिन में 3 बार दीजिए, पेशेंट का फीवर तुरंत आराम हो जाएगा, लेकिन 2-3 दिन 4 दिन लगातार देते रहिए, जलसेमियम से हर हाल में उसका फीवर ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताया, अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही किसी रेड लाइन सिम्टम में। नमस्कार।